जिस समय से कोरोना वायरस आउटब्रेक हुआ उसी समय से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि ये वायरस चमगादड़ से मनुष्य में आया है। कुछ समय बाद ये बात तो साबित हो गई कि सार्स कोरोना वायरस 2 का जीनोम काफी हद तक चमगादड़ में पाए जाने वाले कोरोना वायरस से मिलता है, लेकिन ये 100% वैसा नहीं है। लिहाजा इसी को आधार बनाकर कोरोना वायरस से जुड़े अन्य शोध किए जा रहे हैं ताकि इसके संक्रमण और इसके कारण होने वाली मौतों को रोका जा सके। इन दो का मैच हो सकता है कोरोना। जब से कोरोना वायरस का आउटब्रेक हुआ है तब से चमगादड़ों और पेंगोलिन्स में कई नए तरह के वायरसों की पहचान की गई है। इस दौरान ये पाया गया है कि नोवेल कोरोना वायरस का जीनोम 96% तक उस कोरोना वायरस से मेल खाता है जो चमगादड़ों के अंदर पाया जाता है। इससे पता लगता है कि चमगादड़ कोरोना वायरस के रिजर्वॉयर हो सकते हैं, यानी चमगादड़ों में ये वायरस लंबे समय तक संचित रह सकता है। जबकि वर्तमान में जिस कोरोना वायरस से दुनिया पीड़ित है उसका जीनोम पेंगोलिन्स में पाए जाने वाले कोरोना वायरस के जीनोम से 99% मेल खाता है। लिहाजा विशेषज्ञ इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि सार्स कोरोना वायरस 2 चमगादड़ और पेंगोलिन्स दोनों में पाए जाने वाले वायरस से मिलकर तैयार हुआ एक तीसरा वायरस हो सकता है। इन दोनों में पाए जाने वाले वायरसों ने किसी अन्य जंतु को एक साथ संक्रमित किया हो और अपने इस तीसरे रूप को विकसित किया हो। हालांकि अभी तक उस तीसरे जंतु की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन इस दिशा में एक्सपर्ट्स बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। जबकि ये बात पूरी तरह से साफ है कि ये वायरस किसी एनिमल में ही ओरिजिनेट हुआ है, लेकिन ये इंसानों में संक्रमण फैलाने में बहुत अधिक प्रभावी है। क्या कोरोना वायरस है काइमेरा? काइमेरा और काइमेर उस वायरस को कहा जाता है जो दो वायरसों से मिलकर विकसित हुआ तीसरा वायरस होता है। काइमेरा में दोनों प्राइमरी वायरस के गुण होते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से किसी एक से मैच नहीं करता। यही बात कोरोना वायरस पर भी लागू हो रही है। ऐसा हो सकता है कि दो अलग अलग वायरस जिनसे मिलकर कोरोना डेवलप हुआ है उन दोनों ने एक ही वक्त में किसी एक जीव को इन्फेक्ट किया हो, फिर दोनों वायरसों ने कंबाइन करके एक नया वायरस बना लिया और इस तीसरे वायरस यानी काइमेरा में नई और अलग प्रजाति के जीवों को इन्फेक्ट करने की क्षमता विकसित हो गई। कोरोना की स्पाइकी सेल्स का रहस्य। कोरोना के काफी सारे लक्षण हैं जो इसे एक बड़ी महामारी के रूप में फैलाने में मददगार हैं, जैसे कि कोरोना वायरस की ऊपरी सतह पर चारों तरफ स्पाइकी प्रोटीन्स का होना जो इस वायरस को शरीर की कोशिकाओं के अंदर प्रवेश करने में मदद करते हैं। इन स्पाइकी सेल्स के जरिए ये शरीर में पहुंचने के बाद आसानी से ऑर्गन सेल्स से खुद को अटैच कर लेता है। कोरोना वायरस तो पहले से ही अपना असर दिखाते रहे हैं, लेकिन सार्स कोरोना वायरस 2 की स्पाइकी प्रोटीन्स की खुद को ह्यूमन ऑर्गन से अटैच करने की क्षमता अन्य कोरोना वायरस की तुलना में कई गुना बेहतर है। ज्यादातर रेस्पिरेटरी वायरस अपर या लोअर एयरवेज को इन्फेक्ट करते हैं, लेकिन सार्स कोरोना वायरस 2 अपर और लोअर दोनों एयरवेज को इन्फेक्ट करता है। इस वायरस के बारे में सबसे अधिक खतरनाक बात यह है कि ये वायरस लोगों में संक्रमण के लक्षण दिखाए बिना तेजी से दूसरे लोगों में फैलता है। इसी वजह से इससे संक्रमित व्यक्ति को शुरुआती स्तर पर पहचान पाना काफी मुश्किल होता है और अन्य लोगों में ये वायरस तेजी से फैलने लगता है।